हेलो भाई, जैसा कि आप सबको पता है कि बिभोर आनंद के ऊपर कल जो है अटैक हुआ था, उसके ऊपर हमला किया गया था। और बिभोर आनंद के ऊपर किसने हमला किया ये तो नहीं पता चल, ना ही बिभोर आनंद ने ये चीजें बताई। लेकिन अब बिभोर आनंद को लेकर एक अपडेट आ रही है। बिभोर आनंद ने ये बात खुद बोली है। बिभोर आनंद ने एक ट्वीट शेयर किया है, मैं आपको दिखाता भी हूँ। उस ट्वीट में जो है गाइज, बिभोर आनंद को स्मिता पारिक ने ब्लॉक कर दिया है। ट्विटर से स्मिता पारिक ने बिभोर आनंद को ब्लॉक कर दिया है। और उस टाइम ब्लॉक किया जिस टाइम जैसे ही बिभोर आनंद को ऊपर हमला हुआ। बिभोर आनंद ने ये पोस्ट जो है सोशल मीडिया पे डाली है, उसके जस्ट बाद जो है स्मिता पारिक ने बिभोर आनंद को ब्लॉक कर दिया। उसके बाद जो है बिभोर आनंद का एक स्टेटमेंट आया है, साथ में ही उन्होंने वो पोस्ट शेयर की है जिसमें ये लिखा गया है कि बिभोर आनंद को स्मिता पारिक ने ब्लॉक कर दिया गया है। आइए मैं आपको वो ट्वीट भी दिखाता हूँ जिसमें स्मिता गाइज, आप यहाँ पे देख सकते हैं, बिभोर आनंद ने सीधे सीधे ये पोस्ट शेयर की है ट्विटर पर। और इसमें सीधे सीधे बिभोर ने लिखा है, नाउ यू जस्ट कनेक्ट द डॉट। इसका सीधे सीधे मतलब है, डॉट का मतलब गाइज आप समझ सकते हैं, बिभोर आनंद के ऊपर जैसे ही अटैक किया गया है, जैसे ही बिभोर आनंद के ऊपर किसी ने अटैक किया, उसके जस्ट बाद जो है स्मिता पारिक ने बिभोर आनंद को ब्लॉक कर दिया ट्विटर से। आखिर इसके पीछे का क्या रीजन है कि सडनली जैसे ही उसके ऊपर अटैक होता है, उसके जस्ट बाद आपने क्यों ब्लॉक कर दिया उसको? कुछ तो रीजन है, क्योंकि बिभोर आनंद जिस हिसाब से एलिगेशंस लगाया था उसके 2 दिन पहले ही, 1 दिन पहले ही, कल जो है उसके ऊपर अटैक हुआ है, उससे 1 दिन पहले जो है स्मिता पारिक और आयशा खान का ऑडियो जो है रिकॉर्ड किया था, जो बिभोर आनंद ने उसको पब्लिक किया है, और आज जो है सडनली उसको ब्लॉक कर दिया गया है, वो भी स्मिता पारिक के द्वारा। आखिर इसके पीछे क्या रीजन है? जो कि बिभोर आनंद सीधे सीधे बोल रहा है कि नाउ यू कनेक्ट द डॉट्स, मतलब उसका डॉट्स का मतलब सीधे सीधे स्मिता पारिक को लेकर है कि उसको जैसे ही उस पर हमला हुआ, उसके जस्ट बाद इधर से स्मिता पारिक ने उसको ब्लॉक कर दिया। तो क्या इसका ये मतलब है कि ये इसके हमले के पीछे स्मिता पारिक का हाथ था? ये तो कोई नहीं बोल सकता गाइज अभी तक। लेकिन बिभोर आनंद ने जो डॉट कनेक्ट करने की बात की है, उससे कहीं ना कहीं सीधे शक स्मिता पारिक पर जा रहा है। कहिए आपका क्या ओपिनियन है, आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।